नमस्ते खम्बागिनी सलाम वालेकुम केम छो केरो हाल कैसा का है। मैं हूँ करण रजानी फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन। देख रहे हैं बॉलीवुड की खबरें मेरे साथ यानी कि करण रजानी के साथ में। लगातार एक से बढ़कर एक बॉलीवुड की खबरें आ रही हैं। हाल ही में पता चला है कि अमिताभ बच्चन का जो ग्रैंड सन है, जो पोता है, जिसका नाम है अगस्त्या बच्चन, वो आने वाले हैं बॉलीवुड में। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा नेपोटिज्म की बातें चल रही है, जहां पर अमिताभ बच्चन ने कुछ भी नहीं कहा है नेपोटिज्म के ऊपर, लेकिन हाल ही में उन्होंने वर्कआउट करते हुए, अमिताभ बच्चन ने अपने ग्रैंड सन, अपने पोते अगस्त्य बच्चन के साथ में वर्कआउट कर रहे हैं एंड फोटोज डाले हैं, शेयर किए हैं सोशल मीडिया पर एंड कहा है कि ये मेरा पोता है अगस्त्य बच्चन। और लोगों का कहना है कि ये आने वाले हैं बॉलीवुड में। लेकिन इतने में ही पता चलता है कि अगस्त्य के घर से उनके रिलेटिव्स लिखते हैं कि अभी कोई भी उनका विचार नहीं है बॉलीवुड में आने का। यानी कि अगस्त्य बच्चन उनके परिवार के अनुसार नहीं आने वाले हैं बॉलीवुड में, क्योंकि वो अब यूनिवर्सिटी जाने वाले हैं। तो यूनिवर्सिटी जाकर वो पढ़ाई करने वाले हैं आगे, और उनका प्लान फिलहाल बॉलीवुड में आने का नहीं है, क्योंकि नेपोटिज्म की पहले से ही बातें, चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो क्लियर कर दिया गया है कि अगस्त्य बच्चन जो है अभी फिलहाल के लिए बॉलीवुड में नहीं आएंगे। लेकिन जो बॉलीवुड में आने वाले वो है इब्राहिम खान, जो कि है सैफ अली खान के बेटे। हाँ बिल्कुल, आपने सही सुना है, सैफ अली खान के जो बड़े बेटे हैं वो बॉलीवुड में आने की तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन अगस्त्य बच्चन ने अब तक कोई तैयारी नहीं की, ना उन्होंने अब तक कोई विचार किया है, ना उनका अब तक इंटरेस्ट है। तो उनके रिलेटिव्स ने यह भी बताया कि उनका अब तक कोई इंटरेस्ट भी नहीं है बॉलीवुड लाइन में या फिल्म इंडस्ट्री में। देखते रहे बॉलीवुड की खबरें हमारे साथ यानी कि बॉलीवुड हेल्पलाइन चैनल पर। मैं एंकर करण रजानी, कहते हैं आपको गुड बाय, टेक केयर।